भावरी प्रकरण में अपना मंत्री पद गंवाकर जेल में कैद पूर्व मंत्री महिपाल मदेना की अनुपस्थिति में उनके पिता परसराम मदेना को अब राजनीति विरासत संभालने के लिए बाहर आना पड़ा। उम्र के इस पड़ाव में जहां लोग राजनीति से संन्यास लेते हैं, वहीं परसराम संन्यास लेने के बाद एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हुए हैं, जिसमें परसराम का सहारा बनी है उनकी पोती दिव्या मदेना, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य भी है। गौरवपथ से रवाना हुआ परसराम का एक काफिला ओसिया होते हुए रामपुरा भटियान, मथानिया, उम्मीदनगर, मेवरा रोड, ओसिया चाड़ी चौराहे से चाड़ी गांव पहुंचेगा। इस दौरान मार्ग में विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया जा रहा है। परसराम से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भी अपने पैतृक गाँव चाड़ी में सरपंच के रूप में की थी। साहब ने अपना राजनीतिक शुरुआत भी चाड़ी में सरपंच के रूप से 1953 में यहाँ से करी थी। मेरी दादी जी का देहांत हो गया था पिछले साल, उनका एक साल पूरा हो गया है, तो उनको पुष्प अर्पित करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि देंगे। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री परसराम मदेना ने अभी दो दिन पहले ही अपना 51वां जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया था, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने शामिल होकर मदेना परिवार को अपना समर्थन दिया था।